ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से चारों तरफ शोक का माहौल है। रविवार 19 मई को वह विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के साथ हेलीकॉप्टर में थे, जो दुर्गम घाटी में क्रैश हो गया। सोमवार 20 मई को बचाव कर्मियों को बड़ी मुश्किल से ड्रोन की मदद से हेलीकॉप्टर का मलबा मिला, जिसके कुछ देर बाद राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री की मौत की पुष्टि कर दी गई। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना की शुरुआती वजह खराब मौसम को बताया गया। हादसे के लिए कोहरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये हादसा कोई साजिश भी हो सकती है, जिसमें किसी देश का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अब दुनिया भर में इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर दुख जताया जा रहा है और ईरान के भविष्य को लेकर चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर ईरान में 5 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं राष्ट्रपति और उनके दल के लिए अंतिम संस्कार समारोह 21 मई को किया जाएगा। ईरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसराइल के साथ उसके ताजा तनाव पर भी कई लोगों का ध्यान जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि राष्ट्रपति रईसी के साथ हुए हादसे का कारण सही से बता पाना मुश्किल है। इसके लिए सिर्फ कोहरे को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान जिस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहा है, ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वहीं देश में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबोर को इस्लामिक गणराज्य के कारवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि 50 दिन में ईरान के अनिवार्य राष्ट्रपति चुनाव से पहले तक वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ईरानी संविधान के मुताबिक यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो देश के पहले उपराष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति बनेंगे। इसके अलावा अली बेगरकानी को ईरानी कैबिनेट द्वारा कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिसमें से 2 सुरक्षित लौटाए, लेकिन वह हेलीकॉप्टर वापस नहीं लौटा जिसमें इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान सवार थे। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 17 घंटे लग गए। तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।